साथियों का आज की इस वीडियो में स्वागत है। साथियों, आपको अवगत ही है कि ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम समस्त भारतवर्ष में एक जन मुहिम के तहत मनाया जा रहा है और इसके तहत हम सभी वृक्षारोपण कर भी रहे हैं। लेकिन वृक्षारोपण करने के उपरांत आपको GIS टैगिंग भी करनी है अपने द्वारा लगाए गए पौधों की। तो किस प्रकार से GIS टैगिंग को करेंगे, उसके लिए एक छोटी सी वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर आपको हमारी जितनी भी महत्वपूर्ण वीडियोस आने वाली हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमें अपने फ़ोन का प्ले स्टोर ओपन करना है और ये प्ले स्टोर में हमें सिंपली टाइप करना है ARCGIS। केवल इतना टाइप करें और एंटर जैसे ही करेंगे तो ये बहुत सारी ऐप खुल के आ रही हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे ARCGIS क्विक कैप्चर, ये वाली ऐप आपको इंस्टॉल कर लेनी है, क्योंकि मेरे फ़ोन में पहले से इंस्टॉल है। तो मैं इसको ओपन करूँगा। जब इंस्टॉल करने के बाद हम इस ऐप को अपने फ़ोन में ओपन करते हैं तो साथियों इस तरह का एक इंटरफेस आपको अपने फ़ोन में दिखाई देगा। ये ऐप ओपन हो चुकी है, तो आप इसमें देख रहे हो इसके सेंटर में एक लिखा है कि साइन इन विद ARCGIS एंटरप्राइज, इसको टच करें। अब यहाँ पर URL लिंक मांग रहा है, URL लिंक हमारा क्या होगा वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, वहाँ से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। URL जो हमारा लिंक था वो देखिए ग्रीन टिक के साथ हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक करते ही जो इंटरफेस आ रहा है साथियों उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहे हैं। यूज़र नेम में आपको सिंपली DFO सहारनपुर टाइप करना है और पासवर्ड में आपको कैपिटल F के साथ फॉरेस्ट। forest@123। यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद ये इंटरफेस हमारे फ़ोन में हमें देखने को मिलेगा। इसमें आपकी लोकेशन को ट्रेस कर रही है ऐप। नेक्स्ट को क्लिक करेंगे, अलाउ को क्लिक करेंगे। अब आ रहा है माई वर्क स्पेस। माई वर्क स्पेस में टच करना है हमें प्लस को और नीचे लिखा है ब्राउज प्रोजेक्ट्स। 30 करोड़ वृक्षारोपण को टच करना है। दोबारा से टच करेंगे, नीचे कैप्चर को टच करेंगे। कैप्चर को टच करने के बाद में इसमें सारे डिपार्टमेंट खुल के आ जाते हैं। इसके बाद हमें अपना विभाग बेसिक शिक्षा टच करना है और जैसे ही हम अपना विभाग टच करते हैं तो हमारा कैमरा ओपन हो जाता है और जस्ट जो प्लांट हमने लगाया, जो पौधा हमने लगाया है उसकी फ़ोटो कैप्चर कर लेते हैं। ये फ़ोटो कैप्चर हो गई है हमारी, डन क्लिक किया। बेसिक शिक्षा और ऊपर देख रहे होंगे ये रेड गोले में 1 लिखा है, तो इसको टच करेंगे और हमारा जो है रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है। तो इस प्रकार से सेंड पे क्लिक किया और हमारा जो एक जो लोकेशन है उसके साथ में हमारा वृक्षारोपण का जो पौधा हमने क्लिक किया है वो सेंड हो जाता है, ट्रेस हो जाता है। तो इस प्रकार से इस कार्य को आप कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।